आज हम प्रोटीन पैक्ड पनीर बनाने वाले हैं, पर बिना गाय के दूध का इस्तेमाल किए। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। मूंगफली से पनीर बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप कच्ची मूंगफली के। उसको हम ओवरनाइट फिल्टर्ड वाटर में सोक कर लेंगे। अब इस मूंगफली को इस्तेमाल करने से पहले एक बार फिर साफ पानी से धो लीजिए। अब ये भीगी हुई मूंगफली का हम 1 कप लेंगे और मिक्सी में डालेंगे सिर्फ 1/2 कप पानी के साथ। वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी मूंगफली अच्छी तरह से पिस जाए। अगर आपको लग रहा है कि मूंगफली अभी अच्छी तरह से क्रश नहीं हुई, तो आप 1/2 कप पानी और डालकर एक बारी फिर मिक्सी चला लीजिए। जब मूंगफली की अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, तो उसमें 3 कप फिल्टर वाटर के और डाल लीजिए और उसे चम्मच से हिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को हम एक पतीले में डालेंगे और मीडियम सेक पर इसे गर्म कर लेंगे, पर बॉयल नहीं। अब इस गर्म दूध को हम एक साफ कपड़े से छान लेंगे। क्योंकि ये मिक्सचर अभी गर्म है, तो आप इसे करछी या स्पैचुला की मदद से निचोड़ सकते हैं। अब इस छने हुए दूध को एक साफ बर्तन में डालकर एक बार फिर मीडियम सेक पर चढ़ाएंगे। जब दूध उबल जाए, तो गैस बंद कर उसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल लेंगे। इसको 1-2 मिनट हिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दूध अच्छी तरह से फट गया है। अब इसे एक साफ कपड़े से छान लेंगे ताकि पानी अलग हो जाए। अब इस पनीर को सेट होने के लिए किसी मोल्ड में या किसी और बर्तन में भी डाल सकते हैं। अब इस मोल्ड पे वजन रख के 4 से 5 घंटे तक के लिए पनीर को सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब ये पनीर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ है। अब इस तैयार पनीर को आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर आप इसे किसी ग्रेवी वाली डिश में यूज करना चाहते हैं, तो इसको हल्का सा पैन फ्राई कर लीजिए। जो लोग दूध छोड़ना चाह रहे हैं या जिन्हें दूध के बने हुए प्रोडक्ट सूट नहीं करते और वो उनके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको हमारी और रेसिपीज़ हमारे नए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो सिर्फ रेसिपीज़ को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।